मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। अगर आप बिहार से आते हैं, साउथ बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरह अपने बिजली बिल में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, पता, पूरा चीज़ करेक्शन करवा सकते हैं। साथ ही कंप्लेन भी कर सकते हैं, आपका मीटर अगर ख़राब है या आपका बिल नहीं आ रहा है या दो दो बिल आ रहा है या मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है। अगर मीटर रीडिंग हो रहा है तो उसमें ज़्यादा बिल निकल रहा है, किसी भी तरह की कंप्लेन है तो आप कर सकते हैं और सारा चीज़ कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपकी कंप्लेन का समाधान कर दिया जाता है, ये भी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या हो और मुझे समाधान 10 से 15 रोज में मिल चुका है, उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यहाँ मैंने आपको बताया कि मैट्रिक जो एग्ज़ाम होगा आपसे, उसका एडमिट कार्ड निकल लेगा ऑनलाइन। पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड कॉलेज के द्वारा, स्कूल के द्वारा मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप उस एडमिट कार्ड से मैट्रिक की एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने बताया स्पाइस मैनेज किस तरह पैन कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे सुधार कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, पूरी चीज़ मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बताया था। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है साउथ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट का, बिजली बिल जो साउथ बिहार की बिजली बिल की ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक मैंने आपको दिया हो। तो अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं sbpdcl.co.in सर्च करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा सिंपली से यहां पे कंप्लेन पे क्लिक करना होगा। यहां पे आएंगे, यहां पे देखिए ऑनलाइन कंप्लेन, जैसे आप ऑनलाइन कंप्लेन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पे तीन बटन आपको दिखने को मिलेगा, एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन स्टेटस और बिल रिलेटेड कंप्लेन। ठीक है, बिल रिलेटेड कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा चीज़ भरा जाएगा, इसमें आपको अपना नाम पता देना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आपका जो विद्युत है वो किस प्रमंडल से है, तो अपने नज़दीकी प्रमंडल जहाँ से आपको आपको विद्युत आपूर्ति की जाती है, पूर्ति की जाती है, आपकी कनेक्शन जहाँ से है उसकी परमंडल जो वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब अपने नज़दीकी बिजली बिल ऑफिस यानी कि विद्युत कार्यालय, नज़दीकी जो कार्यालय होगा वो सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपका बिजली आता होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर आपका खाता संख्या, यहाँ पर उपभोक्ता नंबर आपको देना होगा। ठीक है, उपभोक्ता नंबर जो भी हुआ आपको यहाँ पर उपभोक्ता नंबर दे देना, जो भी आपका उपभोक्ता नंबर होगा वो आपको यहाँ पे इंटर कर देंगे। उपभोक्ता नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे नाम पूछा जाए, तो यहाँ पे नाम देंगे जिसके नाम से ये विद्युत कनेक्शन, उन्हीं का नाम देंगे। नाम देने के बाद यहाँ पे आवर फॉर्मेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे कह रहा है द्वारा आप क्या किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करना चाहते, किस मंथ के बारे में, तो लेटेस्ट मंथ अभी दिसंबर है तो दिसंबर, जनवरी जो भी है तो मैं जनवरी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ईयर में 2020 दूंगा। ठीक है, इस तरह का मतलब किस मंथ में आपको कंप्लेन करना है, मतलब कि आपका बिल लेटेस्ट बिल आया तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सॉरी आपका नाम, पिता का नाम वगैरह गलत है, या डबल बिल आ रहा है, किस मंथ में आया डबल बिल, किस मंथ में आपका मीटर खराब हुआ, किस मंथ से आपको बिल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको बिल जो मिला किस मंथ बिल मिला जिसमें आपने देखा कि आपका नाम वगैरह गलती है, मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे साल में 20 लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 20 आप दे देंगे, जो यहाँ पे आपको रिलेट मतलब कुछ मेन्यू देंगे क्या प्रॉब्लम को, बिजली बिल प्राप्त नहीं हो रहा है, बिल प्राप्त नहीं हो रहा तो इसमें आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, अगर बिल प्राप्त नहीं हो रहा है तब आप इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेन है, ये मीटर खराब है या मीटर खराब हो गया उसके लिए कंप्लेन कर सकते, प्रथम बिल अभी प्रथम बिल प्राप्त नहीं हुआ, प्रथम बिजली बिल अभी तक आपको एक फर्स्ट टाइम भी अभी तक आपको बिजली बिल नहीं मिला है, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हो रहा है,
एमएमसी एमबीजी के आधार बिल निर्गत, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 9 नंबर में एक नाम से दो बिल निर्गत क्या जा रहा है, एक नाम से दो बिल निर्गत क्या जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम, जैसे एक नाम से दो बिल निर्गत किया जा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो लेखा संख्या, मतलब कि खाता संख्या जो आपको रखना है, जो बिजली बिल सही आ रहा है, जो बिजली बिल आपको रखना है उसका उपभोक्ता नंबर इसमें देना, और जो नहीं रखना है, जो गलत आ रहा है, उसका उपभोक्ता नंबर लेखा संख्या इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बिजली बिल में नाम पता गलती है तो उसको भी करेक्शन करवा सकते हो, उसके लिए इसमें टिक मार्का लगाएंगे। तो जैसे आप टिक मार्का लगाएंगे तो यहाँ पे सही नाम देना होगा, सही पता देना होगा, सही पता का प्रमाण पत्र चयन करेंगे। अगर आप पता देंगे तो पता का कोई एक प्रूफ अपलोड करना होगा, जिसमें आप बिल ऑफ गवर्नमेंट, टेलीफोन बिल का दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, गैस कनेक्शन दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय इशू गवर्नमेंट एजेंसी, राशन कार्ड दे सकते हैं, यूआईडी आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, जिस डॉक्यूमेंट पे आपका आधार का एड्रेस सही रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। इस पे जो इस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देना होगा, तो आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बहुत सारे नया कनेक्शन लगने के ऊपर बिल नहीं मिल रहा है, बिल नहीं मिला है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 14 नंबर में दिया गया, जले ट्रांसफार्मर तार चोरी की अवधि बिजली बिल प्राप्त नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें आपको टिक लगा देना होगा। तो जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें एड्रेस दे देंगे। तो इस ये फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद तो यहाँ पे आपका उपभोक्ता नाम, जिसके नाम का बिल है वो आप बिल नेम दे देंगे, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दे देंगे जो भी मोबाइल नंबर होगा, उसका पता दे देंगे जो भी पता होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे। तो ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है, ईमेल आईडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं अभी कुछ अपलोड नहीं किया हूँ इसलिए मेरा सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब सेव कर देंगे तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, उस कंप्लेन नंबर से आप स्टेटस चेक कर सेव कर देंगे तो मतलब सबमिट हो गया आपका। तो सेव करेंगे तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर यहीं ऑनलाइन कंप्लेन पाएंगे। यहाँ 2 नंबर में कंप्लेन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंप्लेन नंबर मिलेगा वो आपको इंटर करना होगा, और कैप्चर जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा आपका क्या कारण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा इसका स्टेटस जो है यहाँ पे दिखा रहा है, योर कंप्लेन हैज बीन रिसॉल्व, मैंने जो कंप्लेन किया था और उसका रिसॉल्व हो गया, नाम सुधारने के लिए मैंने कंप्लेन किया था, नाम सुधर गया है, नाम करेक्शन हो चुका है। तो इस तरह आप कर सकते हैं 10 से 15 दिन में, और उसके बाद जब आपका करेक्शन हो जाएगा तो आपको कस्टमर केयर के द्वारा कॉल भी आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने कंप्लेन किया था नाम करेक्शन के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए, क्या वो सुविधा, मतलब वो कंप्लेन आपकी सॉल्व की गई या नहीं की गई, वो भी आपसे पूछेंगे। उससे पहले आपको सुधार कर देंगे और इसका फीडबैक लेंगे, कस्टमर केयर कॉल करके आपने जो कंप्लेन किया वो सुधारा, वो करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ, फिर रिटर्न आते हैं।